तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रोडक्शन फ्रॉम चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. ठीक है, तो बेसिकली इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन. ठीक है, कितने तरह के एरियाज एक कॉन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं. इससे पहले हमने क्यूब क्यूबॉइड पढ़ा, उसके बाद हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा, अब हमारा जो थर्ड है वो है राइट सर्कुलर कॉन. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कॉन समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है. ठीक है, तो कॉन की शेप आप सबको पता होगा, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, तो उसके नीचे कॉन आता है. ठीक है, सो कॉन बेसिकली इस स्ट्रक्चर का होता है. अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो दिस इज माय कॉन, राइट, जिसमें ओवरऑल कितनी सर्फेसिस होती है, टू. ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टोटल टू सर्फेसिस है. कौन कौन सी, एक तो ये वाली जो सर्फेस बनी है आपकी कर्व्ड वाली. ठीक है, और एक नीचे क्या है इसका, सर्कुलर बेस है. ठीक है, तो ओवरऑल एक कॉन के अंदर कितनी सरफेस होती है, टू. ठीक है, और अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूं तो यहाँ पे मेरे पास एक बर्थडे कैप अवेलेबल है, क्योंकि बर्थडे के कैप भी जो होती है वो कॉनिकल शेप की होती है, राइट. तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो पूरी यहां से लेके ऐसे जो घूम रहा है पूरा, ये वाला जो सरफेस है नीचे तक, ये क्या है, इसकी पूरी कर्व सरफेस है. और ये जो बॉटम में आप देख पाएंगे, इसका बॉटम कैसा है, सर्कुलर है. ठीक है, तो ये क्या है, इसकी बेस है. ठीक है, जिसपे ये कॉन स्टैंड कर रहा है. ठीक है, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बोर्ड पे बनाया है, राइट. तो इसमें देखिए अब आप कितने तरह के फिनोमिनास, कितने तरह के पैरामीटर्स एक कॉन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं राइट सर्कुलर कॉन के ऊपर. सिंपल कॉन की पहले बात करते हैं, कॉन के अंदर कितने तरह की हाइट रेडियस एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो ऑब्वियसली इसकी कोई सेंटर होगा, उसकी रेडियस भी होगी. लेट्स से दिस इज द सेंटर और ये क्या है, इसकी रेडियस है, लेट्स इंडिकेट बाय आर, राइट. उसके बाद ये आप देख पाएंगे ये क्या है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द कॉन. वर्टेक्स से इस सर्कुलर बेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, ये कहलाती है इस कॉन की हाइट. ठीक है, या आप इसको एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, राइट. एच क्या है, हाइट और एल्टीट्यूड, यहां पर लिख देते हैं एच इज हाइट और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड. ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस. ठीक है, ये टॉप पॉइंट क्या है इसका, वर्टेक्स, लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर में मैंने दिखा दिया. नेक्स्ट, इसमें एक तरह की हाइट और एग्जिस्ट करती है. अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हाइट है, दिस वन, एक तो ये हाइट अपन देख पा रहे हैं और सिमिलरली एक हाइट ऐसी है. ठीक है, तो ये दोनों ही कैसी है, स्लांट हाइट है, मतलब ये टिल्टेड है, फ्रंट में तिरछा या टिल्टेड. ठीक है, तो इन दोनों हाइट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन की स्लांट हाइट बोलते हैं. चाहे आप इसकी बात करें यहां से लेके यहां तक, ठीक है, या इसकी बात करें यहां से लेके यहां तक, तो ये दोनों क्या है, इसकी स्लांट हाइट है. और हम किससे इंडिकेट करते हैं, एल से. ठीक है, तो एल इज व्हाट, स्लांट हाइट. ठीक है, ना ये तो हो गया एक जनरल कॉन का स्ट्रक्चर. अब हम बात करते हैं कि राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है. ठीक है, राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है, जैसा कि इस फिगर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो रेडियस है, आर रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस, और ये जो हाइट है, सिंपल हाइट, नॉट स्लांट हाइट, ये जो हाइट है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, कैन यू सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, दिस एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री, हेंस इट इज अ राइट सर्कुलर कॉन. ठीक है, अगर किसी भी कॉन की रेडियस और हाइट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कॉन को हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कॉन कहते हैं. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ कि राइट सर्कुलर कॉन कैसा नहीं होगा. ठीक है, सपोज मैंने ये डायग्राम बनाया, ये वाला. ठीक है, क्या ये कॉन को इंडिकेट कर रहा है, यस. ठीक है, ये भी तो कॉन है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका हमने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया. ठीक है, अब इसमें आप देखिए ये क्या है, रेडियस है. अब हाइट क्या होती है, वर्टेक्स से सेंटर को मिलाने वाली लाइन. तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करवाऊं तो ये क्या है, एच. क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं, 90 डिग्री कब होता है, जब ये ऐसे स्ट्रेट जाता. ठीक है, बट ये क्या है, 90 से थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है. इट मींस इस तरह के कॉन को आप राइट सर्कुलर कॉन नहीं कहेंगे. दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर कॉन, दिस इज योर राइट सर्कुलर कॉन. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. ऐसा कॉन जिसमें बेस ऑफ रेडियस
ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ बेस और हाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, उसे हम राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि कितने तरह की सरफेस इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। एक तो ये कर्व वाली एग्जिस्ट कर रही है पूरी, और एक ये नीचे सर्कुलर सरफेस एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर इसमें कर्व सरफेस है तो ऑब्वियसली इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोण। ठीक है, सरफेस एरिया के अंदर हम दो तरह के एरिया पढ़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कुछ बुक्स इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देती है, सो डोंट बी कंफ्यूज, कर्व और लेटरल एक ही बात है। ठीक है, और समटाइम हम इसे सी एस ए से इन शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस ओनली एक ही है जो आप देख पा रहे हैं, उसके अलावा अगर मुझे टोटल एरिया निकालना होगा तो कर्व सरफेस प्लस सर्कुलर सरफेस आएगी। ठीक है, तो दो तरह के एरिया हम पढ़ते हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसे किससे इंडिकेट करते हैं, टी एस से। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कर्व मीन जिसमें ओनली ये कर्व सरफेस आएगी, और टोटल मीन जिसमें कर्व तो आएगी और साथ में बॉटम सर्कुलर सरफेस भी आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब हम इनके फॉर्मूले पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब मैं यहाँ पे राइट सर्कुलर कॉन बार बार नहीं बोलूंगी, जब मैं कॉन लिखूं तो आप समझ जाओ कि हम राइट सर्कुलर कॉन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होगा, क्योंकि हम ये कर्व वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर एल। कीप इन माइंड फॉर्मूला आपको लर्न करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज व्हाट, पाई आर एल, पाई इज कॉन्स्टेंट 22/7, आर इज द रेडियस ऑफ बे एंड एल इज व्हाट आई एक्सप्लेन अर्लियर, स्लंट हाइट। ठीक है, अब टीएसए की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम फेस। ठीक है, अगर हम टीएसए की बात करें, टीएसए तो टीएसए इज व्हाट, टीएसए इज द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, प्लस बेस एरिया। ठीक है, अब टीएसए कर्व सरफेस एरिया मैंने फॉर्मूला बताया पाई आर है, पाई आर है, और बेस कहता है सर्कुलर है, तो सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम और क्लियर यहाँ लिख देते हैं, टी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। बुक्स वाले क्या करते हैं, इसमें से पाई आर को कॉमन निकाल देते हैं, पाई आर कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से आर, तो बोथ फॉर्मूलाज आर राइट। ठीक है, बट अगर आपको समझना है तो आप इससे लर्न करके चले कि कर्व प्लस बॉटम बेस दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और रटना है तो आप ये रट ले फिर, टी एस इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है इसमें जो कि क्वेश्चन में समटाइम पूछ लेता है, उस टाइम हमें नहीं पता होता है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। कई बार क्या होता है, हमें एल दिया होता है, आर दिया होता है, एच अननोन होता है, समटाइम क्या होता है हमें एच एल दिया होता है, आर अननोन होता है, और समटाइम हमारे पास आर एच दिया होता है, एल अननोन होता है। तो हमें इस ट्राइंगल से आप देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल बन रहा है दिस वन, इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कैसा एक ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्यों है राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, राइट। सो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकती है, ठीक है, लग सकती नहीं लगेगी। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको पता है क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, राइट, हाइट सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो अगर इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं इसको ओ मान लू, इसको ए मान लू और इसको बी मान लू, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन सी है, हाइपोटेनस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। ठीक है, हाइपोटेनस हो गई एल, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है इसका, रेडियस है दैट इज आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है इसकी, हाइट है दैट इज एच स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे एल चाहिए तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तीन फॉर्म्स में रीअरेंज कर सकते हैं।
अगर L निकालना है तो L इज वॉट स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो ये तो हो गया L की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर मुझे R स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो देखिए R स्क्वायर क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, L स्क्वायर और H स्क्वायर को यहाँ लाओगे तो माइनस का H स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऑब्वियसली अपनी तरफ से कर सकते हैं, बट मैं जनरल फॉर्मूले जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो L क्या आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर मुझे R स्क्वायर निकालना है, R स्क्वायर क्या आएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो R इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलेस भी आपको पता होने चाहिए, आप तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम याद रखो, फॉर्मूलेस आपको अपने आप क्लियर होंगे, ठीक है ना। एक और जो बचा R आ गया L आ गया, अब समटाइम H भी दिया होता है नॉन में, तो H क्या आ जाएगा मैं डायरेक्टली करती हूँ, H इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ये इस एक्सरसाइज का जनरल इंट्रोडक्शन था जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। नाउ विल मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।